दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट ने समस्त CMHO और PMO को पत्र लिखते हुए निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत RMRS के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर कार्यरत करीब 2532 संविदा मशीन विदमैन कंप्यूटर ऑपरेटरों को संविदा सेवा नियम 2022 में नियुक्ति देने हेतु स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट तैयार करने को लेकर एक पत्र यहाँ पर जारी किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो रेफरेंस है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की स्वीकृति दिनांक 25 अगस्त 2023 का रेफरेंस यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों, 2532 जो संविदा मशीन विद मैन जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको भी संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया जा रहा है। अब जिलेवार इनकी स्क्रीनिंग होगी, तैयार होगी, स्क्रीनिंग रिपोर्ट बनेगी, तो साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट में ये रिपोर्ट भिजवाई जाएगी, उसके आधार पर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा उनके संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने के जो आदेश है वो जारी किए जाएंगे। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दवा के अंतर्गत RMRS के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जो 2532 संविदा कर्मचारी कार्यरत थे मशीन विद मैन कंप्यूटर ऑपरेटर पे, अब उनका जो अडॉप्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है डेटा एंट्री असिस्टेंट पे। और इस पद की जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन प्लस RSCIT यहाँ पर रखी गई है। पारिश्रमिक प्रतिमाह 10,400 रुपये रखा जाएगा और संशोधित पदनाम डेटा एंट्री असिस्टेंट यहाँ पर होगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो निर्धारित पारिश्रमिक है 10,400 वो निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगा, यानी कि किसी कार्मिक को 10,400 रुपये से अधिक मानदेय मिलता है तो वो अधिक प्राप्त हो रहेगा। साथ ही जिन मशीन विद मैन की व्यक्तिगत अनुबंध में सेवाएं लिए जाने की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया से पूर्ण कर ली सेवाएँ ली गई है उन्हें ही इन नियमों के अंतर्गत लिया जाए, यानी कि जो मशीन विद मैन जिनकी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भर्ती हुई है केवल और केवल उन्हीं का अडॉप्शन होगा, जिनका पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चयन नहीं हुआ उनका अडॉप्शन नहीं होगा। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 3 की पालना यहाँ पर की जाएगी। और आप देख सकते हैं 9 व 18 वर्ष पूरे होने पर इनको उच्चतर जो पारिश्रमिक है और पदनाम का जो है लाभ है वो यहाँ पर मिलेगा। 9 साल होने पर डेटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड सेकंड 18,500, 18 वर्ष पूरे होने पर डेटा एंट्री असिस्टेंट फर्स्ट 32,300 रुपये का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही उच्चतर पारिश्रमिक है तो संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत लाए जाने की पूर्व सेवा की जो गणना है वो मान्य यहाँ पर नहीं होगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि वित्त विभाग की जो ID संख्या है 212-300-519 दिनांक 17 अगस्त के माध्यम से इनकी जो अप्रूवल है वो संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने को लेकर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा सेवा नियम 2022 के तहत प्रदत्त उक्त स्वीकृति के अनुसरण में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत RMRS के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर कार्य संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के माध्यम से की जानी है। अतः आप अपने जिले में योजना अंतर्गत RMRS के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर कार्य संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग संलग्न चेकलिस्ट व संविदा सेवा नियम 2022 के जो नियम हैं उनके अनुसार सत्यापित जो सूचना है वो 25 सितंबर 2023 तक तैयार कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही चेकलिस्ट तैयार करते समय इन्होंने कहा कि कुछ विशेष बिंदु है उनका भी ध्यान रखें। आप देख सकते हैं संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन सर्जित पदों पर लोक विज्ञापन यानी कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भर्ती कार्मिकों को ही शामिल करना है। आयु सीमा की जांच नियम 6 में प्रावधान जो अनुसार है वो की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के नियुक्त कर्मचारी की वर्गवार सूचना संलग्न चेकलिस्ट के कॉलम संख्या 6 में अंकित करनी है। इसी प्रकार से संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 7, 8, 9 और 10 की पूर्ण पालना की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दवा के अंतर्गत RMRS के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर कार्य संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय समिति में ब्लॉक के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी और संस्थापना अधिकारी को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर जिला स्तरीय समिति में CMHO जिला परियोजना समिति के जो समन्वयक हैं औषधि भंडार लेखाधिकारी है उप CMHO वो यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ जो है नोडल अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही जो सूचना है वो 25 सितंबर तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पर भिजवाई जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पर साथ में भेजी गई है ताकि तैयार कर ले डॉक्टर RP माथुर जो निदेशक हैं जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के हस्ताक्षरों से इनका जो अडॉप्शन आदेश है वो यहाँ पर जारी किए।
साथ ही मैं बता दूं जो ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय जो कमेटी बनेगी वो यहाँ पर 2532 जो संविदा कर्मचारी है जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भर्ती में हैं उन्हीं की चेकलिस्ट तैयार की जाएगी, उन्हीं को यहाँ पर संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले कर्मचारी का नाम, वर्तमान पद, वर्तमान मानदेय, स्क्रीनिंग पश्चात पद नाम, उसके पश्चात मानदेय, पदस्थापन स्थान, अनुभाग, मूल निवास जिला, पत्र व्यवहार का पता। इसके अलावा दस्तावेज जो आप संलग्न करेंगे उस पर टिक मार्क आएगा, जो दस्तावेज आप संलग्न नहीं करेंगे उस पर क्रॉस का निशान आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पब्लिक विज्ञापन के माध्यम से भर्ती हुए उन्हीं कार्मिकों को यहाँ पर भर्ती जो है वो किया जाएगा। करीब 20 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे चाहिए होंगे। इसके बाद में प्रथम दस्तावेज परीक्षण जो कमेटी है जिसमें ब्लॉक CMHO, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी और संस्थापन अधिकारी के साइन होंगे। दस्तावेज परीक्षण की कमेटी की टिप्पणी होगी और द्वितीय जो दस्तावेज कमेटी है उनके हस्ताक्षर होंगे CMHO, परियोजना अधिकारी, उप CMHO और लेखाधिकारी और संस्थापन अधिकारी के साइन यहाँ पर होंगे। साथ ही एक प्रमाण पत्र जो है कि मशीन विद मैन के योग्य है और इनके नियुक्ति आदेश की जारी करने की जो अनुशंसा है वो की जाती है, इस प्रकार का जो प्रमाण पत्र है वो भी संलग्न करना होगा। ब्लॉक पे जो भी कर्मचारी संविदा पे लगे हुए हैं मशीन विद मैन कंप्यूटर ऑपरेटर में उनकी ब्लॉक स्तरीय कमेटी के बाद में जिला स्तरीय कमेटी जाँच करेगी और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जाँच करने के बाद में उनको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा ताकि इनके जो नियुक्ति आदेश है वो जारी किए जा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर इनको कहा कि 25 सितंबर तक आप उक्तानुसार जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लें ताकि इनके जो अडॉप्शन आदेश है वो जारी किए जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ मशीन विद मैन जो व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जो संविदा कर्मचारी लगे थे केवल और केवल जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यानी कि सार्वजनिक विज्ञापन, लोक विज्ञापन के माध्यम से नियोजित हुए थे उन्हीं का अडॉप्शन संविदा सेवा नियम 2022 के तहत होगा। साथ ही मैं बता दूँ संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 8, 9, 10, 11 की जो पूर्णतः पालना होगी, 6 जो है आयु सीमा उसकी पूर्णतः पालना होगी, सेवा संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 4(1) की जो पूर्णतः पालना होगी कि लोक विज्ञापन जो सार्वजनिक विज्ञापन है पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है उसके माध्यम से भर्ती कार्मिक की ही स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2532 जो संविदा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है। मशीन विद मैन कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पदनाम है वो अब डेटा एंट्री असिस्टेंट होगा और जल्दी इनको 10,400 रुपये और 9 वर्ष होने पर 18,500 और 18 वर्ष पूरे होने पर 32,300 रुपये का पारिश्रमिक का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।